नमस्कार। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। चेन स्नेचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशाला। परिवहन मंत्री ने किया ओलावृष्टिग्रस्त इलाकों का दौरा। राजपत्रित अधिकारियों के बंद से नागरिकों में नाराजगी। आरएसएस प्रमुख के वक्तव्य का राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा निषेध। मनपा आरोग्य विभाग भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए गए इंटरव्यू। अकोला शहर में बढ़ रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं को लेकर महिलाओं को जागरूक व सजग करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन प्रमिलाताई ओक हॉल में किया गया। अकोला शहर में बढ़ रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं के कारण महिलाओं में भय व्याप्त हो गया है। इस घटना से निपटने के लिए पुलिस द्वारा भी उपाय योजनाएं की जा रही है। बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पुलिस द्वारा शुक्रवार को प्रमिलाताई ओक सभागृह में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के उपाय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में विशेषकर चेन स्नेचिंग की घटनाओं व बचाव पर विशेष रूप से मार्गदर्शन किया गया। इस कार्यशाला में जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कला सागर, अपर पुलिस अधीक्षक विजयकांत सागर, पुलिस उप अधीक्षक उमेश माने पाटिल, राहुल धस, कल्पना भराड़े समेत अन्य पुलिस अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यशाला का उद्घाटन महिलाओं के हाथों किया गया, जिसमें उप महापौर वैशाली शैल के, पार्षदा सो सुनीता विजय अग्रवाल, पार्षदा सुमन गावंडे, मनपा सभागृह नेता गीतांजलि शेगोकार, प्राध्यापक वर्षा महल्ले, सो मानसा राकेश कला सागर, सो तन्वी विजयकांत सागर, मूर्तिजापुर के एसडीपीओ सो कल्पना भराड़े आदि के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। चेन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को आवश्यक सुझाव भी दिए गए। राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते अकोला दौरे पहुंचे। अपने इस दौरे में श्री रावते ने ओलावृष्टिग्रस्त इलाकों का दौरा किया व किसानों को सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते अकोला जिले के दौरे पर पहुंचे। अकोला के शासकीय विश्राम गृहों में कुछ देर रुकने के बाद वे पातूर तहसील के भंडाराज में पहुंचे। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने भंडाराज के ओलावृष्टिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद साधा। भंडाराज के ओलावृष्टि के कारण फसलों का भारी नुकसान है, जिसका निरीक्षण परिवहन मंत्री ने किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द ही किसानों को नुकसान भरपाई देंगे। इसके लिए वे मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल से चर्चा करेंगे। इस अवसर पर शिवसेना के जिला अध्यक्ष नितिन देशमुख, श्री रंग दादा पिंजरकर, ज्योत्सना चौरे, उप विभागीय अधिकारी प्राध्यापक संजय खरसे, उप विभागीय अधिकारी मोहिते, पातूर के तहसीलदार रामेश्वर पुरी, तहसील कृषि अधिकारी मकासरे, बीडीओ शेखर शेलार प्रमुखता से उपस्थित थे। मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही तालुक्यांमध्ये भीषण अशी गारपीट झाली। भीषण शब्द एवढ्याकरता वापरतोय, यापूर्वी गारपीट होत होती पण कालची गारपीट एवढी भयानक होती की 10 मिनिटांमध्ये होत्याचं नव्हतं करून घेतलं। हा विषय कालच्या मंत्रिमंडळामध्ये चर्चेला आणला होता। प्रथमतः कृषी खात्यांनी काही तासामध्ये म्हणजे आपल्या माध्यमातून ही सगळी दृश्य लोकांपर्यंत पोहोचली होती आणि कृषी खात्याने ते 1.5 दिवसामध्ये याचं सर्वेक्षण करून नुकसान जवळपास किती झालं अंदाजेपणे जवळपास ह्याचा म्हणून खुडकरांना मी मनापासून धन्यवाद देताना माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती
की शेतकरी संकटात असतो त्यावेळेला सरकार रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, शेतात गेलं पाहिजे, शेतकऱ्याला धीर दिला पाहिजे. नुकसान भरपाई मिळायला मागे पुढे वेळ जातो, पण ज्यावेळेला मी सांगतो त्यावेळेला मी स्वतः काल येणार होतो, पण काल माझ्या एसटी महामंडळात वेगळा कार्यक्रम असल्याकारणाने मी आज आलो. सगळ्या मंत्र्यांनी शेतात जावं, शेतकऱ्यांची शिवध्वस्तता पाहावी, आणि मग ती लोकांना आपल्याला सांगता येते सरकारला. काल मी जो अधिकृत मुख्यमंत्र्यांकडे मंत्रिमंडळामध्ये एक सूचना मांडली की आपण ह्या बाबतीतली जी नुकसान भरपाई ती तातडीने आपण जाहीर करावी. आम्ही नुकसान भरपाई देतो, परंतु वेळ निघून गेल्यावर जे देतो त्याचं महत्त्व राहत नाही. आणि असा निसर्गाने उद्ध्वस्त झालेला हा हरभरा, कारण हरभऱ्याचा विषय मी एक महिन्यापूर्वी मांडला होता, ह्याला मोठ्या प्रमाणात हरभरा झालेला आहे. ह्याला ह्या संपूर्ण रब्बीमध्ये हरभरा गहू हा चांगला होतो, आणि संपूर्ण मराठवाडा विदर्भामध्ये हरभऱ्याने फार मोठा, पश्चिम विदर्भ खास करून हरभरा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्याबाबतीत तातडीचे धोरण करा असं मी सांगितलं असताना ही शेती उद्ध्वस्त झाली आज आपल्या समोर आहे. आणि म्हणून मग मी स्वतः आज ह्या शेतकऱ्यांना भेटायला आलो आहे, शेतीची पाहणी करतोय, आणि नुकसान भरपाई त्यांना लवकरात लवकर देण्यासंदर्भात जी काल घोषणा केली मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. जिल्हा परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रकरण को लेकर राजपत्रित अधिकारियों ने दो दिन के अवकाश का निर्णय लिया, जिसके कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार ने प्रधान सचिव को स्वेच्छा निवृत्ति का आवेदन की घटना को लेकर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने दो दिन सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है. राजपत्रित अधिकारियों को एक शिष्टमंडल ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस रामामूर्ति को सामूहिक अवकाश का निवेदन सौंपा. राजपत्रित अधिकारियों के दो दिन के अवकाश आंदोलन के कारण जिला परिषद का कामकाज प्रभावित हो गया है. राजपत्रित अधिकारी महासंघ के पदाधिकारी भी इसके संदर्भ में कुछ बोलने को तैयार नहीं है. शुक्रवार को जिला परिषद के सभी राजपत्रित अधिकारी निवेदन सौंप कर अपने कार्यालयों को छोड़कर चले गए, जिसके कारण विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले जनप्रतिनिधियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. राजपत्रित अधिकारियों के दो दिन के अवकाश को लेकर नाराजी देखी जा रही है. सामूहिक रजेवर जे राजपत्रित अधिकारी गेले आहे, या राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी जे सामूहिक रजेवर गेले याचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध करतो, कारण आम्ही लोकप्रतिनिधी या नात्यानं लोकांचे कामं घेऊन ज्यावेळेस या ठिकाणी येतो त्यावेळेस लोकांचे कामं होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि आता येणाऱ्या मार्चच्या अगोदर बराच निधी हा खर्च करणं गरजेचं आहे, लोकांच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीत राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजेवर जाणं हे लोकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अतिशय चुकीचं आहे. सर्वप्रथम मी आज जे हे आज राजपत्रित अधिकारी यांनी आंदोलन केलं तर त्यांचा मी निषेध करतो, कारण की जे ग्रामीण भागातून शेतकरी येतात किंवा सामान्य माणूस येतो तर त्यांचं काम आज झालं पाहिजे, पण ज्या अर्थी आज या अधिकाऱ्यांनी हे जे दोन दिवसाचं काम बंद ठेवलेलं आहे त्याचा मी निषेध करते. आरएसएस प्रमुख द्वारा सेना के जवानों पर किए गए वक्तव्य का निषेध करने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक मोहन भागवत के सेना पर दिए गए वक्तव्य को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर तीखी आलोचना की. अपने वक्तव्य में मोहन भागवत ने भारतीय सैनिकों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से की है. इस प्रकार से इस वक्तव्य में भागवत ने सैनिकों का अपमान किया है. देश भर में आरएसएस कार्यवाहक मोहन भागवत पर अपराध दर्ज किया जाए, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की माफी मांगे, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा धिंगरा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. इस निषेध आंदोलन की जानकारी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एडवोकेट महेश सरब पाटिल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी. आज जिल्ह्याच्या वतीनं आम्ही आज इथं आंदोलन ठेवलेलं आहे. मोहन भागवत यांनी एका जबाबदार माणसाने एक असं खानवाक्य बोललेलं आहे की आज 6 ते 7 महिने सेनेला लागतात, आमच्या संघाचे माणसं 3 दिवसात तयार होतात, आणि आज सैन्याला आपण कोणासोबत तुलना करू शकत नाही. आणि या वाक्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. हा देशाचा अपमान आहे, आपल्या संविधानाचा अपमान आहे,
झेंड्याचा अपमान आहे, प्रत्येक सैनिकाचा अपमान आहे, प्रत्येक भारतीयाचा अपमान आहे. या वक्तव्यासाठी त्यांनी स्वतः संपूर्ण भारतीय नागरिकांची माफी मागावी, सगळ्या सैन्याची माफी मागावी, केवळ आमचा आणि त्यांच्यामुळे देश द्रोहाचे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल करण्यात यावे, एवढी आमची मागणी आहे. मनपा के आरोग्य विभाग के तहत 36 पदों की ठेका पद्धति से भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए. अकोला शहर आरोग्य अभियान महानगर पालिका अंतर्गत तय वेतन कर ठेका पद्धति से वैद्यकीय अधिकारी जीएनएम एएनएम औषधि निर्माता प्रयोगशाला तकनीशियन के इस प्रकार 36 पदों के लिए शुक्रवार 16 फरवरी को साक्षात्कार लिए गए. इससे पहले पात्र उम्मीदवारों की सूची लगाई गई थी, तब इस भर्ती प्रक्रिया पर कई उम्मीदवारों ने सवालिया निशान खड़े कर इस भर्ती पर स्टे लाने की मांग की थी. शुक्रवार 16 फरवरी को पात्र उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए. इंटरव्यू के बाद पात्र चयनित उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया में हजारों उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दिए थे. अब किस उम्मीदवार को अस्थायी लॉटरी लगती है, इस ओर सभी उम्मीदवारों का ध्यान लगा हुआ है. स्वेच्छा सेवा निवृत्ति प्रकरण में पालक मंत्री पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, इस प्रकार का स्पष्टीकरण जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पत्रकार परिषद में दिए. निविदा संदर्भ में गृह राज्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वच्छता सेवा निवृत्ति आवेदन में जो आरोप लगाए गए है वह झूठे है. निविदा प्रक्रिया में एक ठेकेदार पर हो रहे अन्याय को लेकर अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी पालक मंत्री से मिलने गए थे, जिस पर पालक मंत्री ने दूरध्वनि पर डॉक्टर सुभाष पवार से संपर्क कर उन्हें नियमानुसार उचित निर्णय लेने को कहा था. ऐसी जानकारी पत्र परिषद के माध्यम से संगठन के पदाधिकारियों ने दी. इस पत्र परिषद में जिला परिषद, जिला कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के संगठन के अध्यक्ष मणिराम टाले, उपाध्यक्ष वसंतराव देशमुख, सुरेश नाठे, राजू घुले, गोपाल गावंडे आदि उपस्थित थे. इस पत्र परिषद में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे पालक मंत्री के पास शिकायत लेकर गए थे, जिसके कारण उन पर आरोप लगे हैं, इसलिए हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं. जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर संघटने ने आमचं स्वतःचं स्पष्टीकरण सादर करण्याकरिता आयोजित केलेली आहे, कारण गेले 2 दिवसापासून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या निविदांबद्दल जे पेपरमध्ये बातम्या चालू आहेत आणि त्याच्यामध्ये माननीय पालकमंत्र्यांकडे जे आम्ही निवेदन घेऊन गेलो होतो त्याचा थोडा विपर्यास झालेला आहे. त्यामुळं आमच्या कुठल्याही प्रकरणात आमची कुठलीही मागणी कुणावरती अन्याय होऊन कुणाला निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून कुणाला तरी लाभ पोचवावा हे संघटनेचं म्हणणं कधीच नव्हतं. फक्त कुणावरही अन्याय होऊ नये यासाठीच आम्ही फक्त तिथं गेलो होतो आणि त्या बातमीचा थोडा विपर्यास होत असल्याचं निदर्शनास आल्यामुळं तो होऊ नये. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. संघटनेमार्फत आम्ही आमच्या कुठल्याही मेंबरला जर अडचण असेल तर त्याच्यासाठी म्हणून आम्ही योग्य त्याला न्याय मिळावा यासाठी मागणी केलेली आहे. बंजारा समाज के आराध्य देव श्री संत सेवालाल महाराज की 279वीं जयंती पर शहर के प्रमुख मार्गों से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बंजारा समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. बंजारा समाज के आराध्य देव श्री सेवालाल महाराज की जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई. संत सेवालाल महाराज की 279वीं जयंती पर बंजारा समाज के नागरिकों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बंजारा समाज के नागरिक शामिल हुए थे. संत श्री सेवालाल महाराज की जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया. एमपीएससी के छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर संग्रामपुर में मोर्चा निकाला. मोर्चा निकालकर स्पर्धा परीक्षा के छात्रों ने तहसीलदार को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा. एमपीएससी विद्यार्थी समन्वय समिति द्वारा एमपीएससी व अन्य स्पर्धा परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर संग्रामपुर तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया. राज्य सेवा के पदों के विभिन्न संवर्गों के 1,70,000 पदों को तुरंत भरा जाए, राज्य सेवा में 69 पदों में वृद्धि की जाए, पीएसआई, एसटीआई, एएसओ संयुक्त पूर्व परीक्षा रद्द कर उसे पहले के समान लिया जाए, शिक्षक भर्ती तलाटी भर्ती की जाए, परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर यंत्रणा लगाए,
परीक्षा शुल्क कम किया जाए, फी माफ की जाए, परीक्षा के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, बायोमेट्रिक प्रणाली से छात्रों की हाजिरी ली जाए, एसटीआई मुख्य परीक्षा का केंद्र नागपुर रखा जाए आदि मांगों को लेकर यह मोर्चा निकाला गया। इन मांगों का निवेदन तहसीलदार एल के चौहान को सौंपा गया। इस मोर्चे में एमपीएससी स्पर्धा परीक्षा के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। तशाच प्रकारचा पण जिल्हा स्तरावर न निघता पूर्ण तालुका स्तरावर निघणारा आमच्या महाराष्ट्रातला हा पहिलाच मोर्चा आहे। या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत ह्या अगदी थोडक्यात आपल्याला मी सांगणार आहे। सर्वात पहिली मागणी म्हणजे राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील ज्या 1,72,000 जागांचा जो अनुशेष आहे तो पहिल्यांदा भरण्यात यावा। ज्या प्रमाणात आपण बघतोय की राज्यसेवेच्या 400 ते 500 जागा दरवर्षी होतात तर यंदाची ती 69 जागांचीच आहे, त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी ही सुद्धा एक प्रमुख मागणी आहे। तसेच पीएसआय एसटीआय एएसओ यांची जी परीक्षा संयुक्त पूर्वपरीक्षा एकत्र होते ती रद्द करण्यात येऊन प्रत्येक पदाची परीक्षा ही स्वतंत्र घेण्यात यावी। तसेच शिक्षक भरती तलाठी भरती लवकरात लवकर घेण्यात यावी, परीक्षा केंद्रावर मोबाईल जामरसारखी यंत्रणा बसवावी, तसेच एमपीएससीमध्ये जे घोटाळे होतात त्या घोटाळ्यांची सीबीआय तपासणी व्हावी, तसेच हे घोटाळे उघडकीस आणणारे जे योगेश जाधव सर असतील त्यांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात यावी, तसेच वेगवेगळ्या एक्झामचे जे परीक्षा शुल्क असते ते परीक्षा शुल्क भरपूर प्रमाणात आहे त्यामध्ये घट करण्यात यावी, तसेच बायोमॅट्रिक पद्धतीने विद्यार्थ्यांची हजेरी घेण्यात यावी, तसेच परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे इत्यादी प्रकारच्या प्रमुख मागण्या, तसेच एसटीआय मुख्य परीक्षेचे जे केंद्र आहे ते नागपूरला करण्यात यावे ह्या। भारिप बहुजन महासंघ के 25 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर वर्धापन दिवस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दशरथ भांडे के निवास स्थान पर किया गया, जिसमें कई मान्यवर उपस्थित हुए थे। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दशरथ भांडे के निवास स्थान पर भारिप बहुजन महासंघ का स्थापन दिवस व स्थापना को 25 साल पूरे होने का रौप्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री व भारिप बहुजन महासंघ के ज्येष्ठ नेता डॉक्टर दशरथ भांडे ने की। इस अवसर पर केक काटा गया व भारिप बहुजन महासंघ के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे। इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्षा संध्या वागोड़े, डीएन खंडारे, जिला अध्यक्ष प्रतिभा अवचार, बाल मुकुंद भिरड़, दामोदर जगताप, जिला परिषद उपाध्यक्ष जामीर उल्ला पठान, दिनकर वाघ, ज्ञानेश्वर सुल्ताने, अशोक सिरसाट, शेख साबिर, एडवोकेट संतोष रहाटे, अरुंधति सिरसाट, गजानन गवई, प्रभाताई सिरसाट, बुद्धरत्न इंगोले, मनोहर शेलके, श्रीकांत डगेकर, श्यामराव वाहुरवाघ, शंकर इंगले, एकनाथ सिरसाट, दिलीप मोहर, जीवन ढिगे, दिलीप मोहर, मिलिंद इंगले, विलास जगताप, संजय वानखड़े, शंकर इंगले, राजू मिया देशमुख, आर ए देशमुख, पुष्पा इंगले, किरण बोराखड़े, संगीता खंडारे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारिप बहुजन महासंघ हा राजकीय पक्ष स्थापन झाला आजच्या दिवशी 25 वर्षापूर्वी आणि आज त्याचं रौप्य महोत्सवी वर्ष सुरू होत आहे। या वर्षामध्ये मागील 25 वर्षात झालेली काही सिद्धी आणि पुढच्या काळामध्ये करावायचे काही संकल्प यासाठी विचारविनिमय करण्याची नितांत गरज आहे। अशा पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी एकत्र बोलावून वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम तर साजरा झालाच, परंतु त्याचबरोबर पुढील दिशा जी आहे ती भारिप बहुजन महासंघाच्या दृष्टीनं कशी असली पाहिजे आणि आजच्या प्रचंड जातीयवादी आणि धर्मवादी राजकारणामध्ये बहुजन समाजाच्या हिताचे निर्णय जर शासनाकडून करून घ्यावायचे असतील तर सत्तेमधला सहभाग हा जो भाग आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि सहभाग हा जर मिळवायचा असेल तर कुठल्याही पद्धतीच्या भूलथापांना बळी न पडता या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी भारतीय राज्यघटना दिली स्वातंत्र्य समता बंधुता आणि न्याय या आधारावर आणि त्यामध्ये जे इथल्या बहुजनांना म्हणजे या ठिकाणच्या जवळपास 85% जनतेला घटनात्मक आरक्षणाचे अधिकार दिले ते अधिकार हळूहळू वेगवेगळ्या पद्धतीनं षडयंत्र रचून कमी केल्या जात आहेत आणि त्याचे चटके या ठिकाणच्या सगळ्याच जाती जमातीमध्ये विभागलेल्या बहुजनांना बसत आहेत। त्याला प्रतिबंध कसा करायचा, त्याच्या विरोधात आघाडी कशी उभी करायची, मतपेटीपर्यंत हा विचार कशा पद्धतीनं पुढे न्यायचा या सगळ्यांचा विचार विनिमय आज या ठिकाणी झाला आणि पुढच्या काळामध्ये हा संकल्प प्रत्यक्षात उतरवण्याकरता
इथल्या कार्यकर्त्यांनी बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वावर श्रद्धा ठेवून इथल्या कार्यकर्त्यांनी गल्लीपर्यंत हा विचार पोहोचवणं आणि त्याकरता लागणारे कष्ट घेण्याची तयारी करणं आणि तो प्रचार तो विषय तो विचार या ठिकाणी जनमानसामध्ये रुजवणं याची भूमिका आज या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आणि त्या दृष्टीनं नियोजन करून पुढच्या काळामध्ये निश्चितच महाराष्ट्राच्या गल्लीबोळात गाव पातळीपर्यंत हा विचार पोहोचवण्यासाठी संपूर्ण कार्यकर्ते या पक्षाच्या 25व्या वर्धापन दिन साजरा डाकघरों में अब माय स्टाम्प के साथ ही कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है, जिसे लेकर अकोला के मुख्य डाकघर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकोला के मुख्य डाकघर में माय स्टाम्प योजना सहित आधार व मोबाइल सीडिंग सेवा सांसद संजय धोत्रे के हाथों कार्यान्वित की गई। इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की फोटो का स्टैम्प बनाकर ले सकता है। इस अवसर पर विविध ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित मूर्तिजापुर के सहायक डाक अधीक्षक खान ने अपने प्रस्तावित भाषण में विविध योजनाओं की जानकारी दी। वो ग्राहकों से कहा कि वे अपने डाकघरों में आधार व मोबाइल नंबर लिंक करवा ले। माय स्टाम्प विज्ञापन अधिकारी शाकिर अहमद ने सांसद संजय धोत्रे को उनकी फोटो का माय स्टाम्प भेंट स्वरूप दिया। अकोला डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक वीटी लेजिन ने अधिक जानकारी दी। इस अवसर पर डाक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ है। सांसद प्रताप राव जाधव ने कई गांवों का दौरा कर नुकसानग्रस्त इलाकों को भेंट दी। संग्रामपुर तहसील में 11 फरवरी को तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें सैकड़ों हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई थी। इस प्राकृतिक आपदा में संतरा, गेहूं, चना, मक्का, केला आदि फसलों का भारी नुकसान हुआ है। संग्रामपुर तहसील के सातपुड़ा के दुर्गम व आदिवासी बहुल इलाके आलेवाड़ी सायखेड़ गांव से लेकर करमोड़ा, लांडनापुर, दुनकी, सोनाला, काटेल गांवों का दौरा सांसद प्रताप राव जाधव ने किया। सांसद श्री जाधव ने नुकसानग्रस्त गांवों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को नुकसान का सर्वेक्षण कर सरकारी सहायता से एक भी किसान वंचित ना रहे, इस प्रकार के निर्देश दिए। इस अवसर पर किसानों ने अपने फसल नुकसान की जानकारी सांसद प्रताप राव जाधव को दी। इस दौरे में नागरिकों ने अपने घरों के नुकसान की भरपाई भी देने की मांग की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। चेन स्नेचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशाला। परिवहन मंत्री ने किया ओलावृष्टिग्रस्त इलाकों का दौरा। राजपत्रित अधिकारियों के बंद से नागरिकों में नाराजगी। आरएसएस प्रमुख के वक्तव्य का राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा निषेध। मनपा आरोग्य विभाग भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए गए इंटरव्यू। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।